ओके पेज 86 गाइस, जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों माने क्वेश्चन आंसर्स वाले जो बुक होते हैं वो, और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, ओ बेचारिन तो रात दिन कामा झुकी रहती है और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बताई लो। मतलब कि जो भी हॉस्टल की लड़कियां थी जो ऐसे वैसे घूम रही है, तो उनको पकड़ के भक्तिन बोलती थी जब भी वो महादेवी को बिजी देखती थी कि यार वो इतनी बिजी रहती हो और तुम लोग घूमती रहती हो, तो चलो उनका हाथ बता दो, मतलब उनका हेल्प कर दो। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, सबको पता था ऐसे काम में हेल्प नहीं किया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। इसीलिए उन्होंने क्या प्रकट किया, क्या बोला कि नहीं हम लोग हेल्प नहीं कर सकते हैं। इन दी सेंस गाइस, किसी का ड्राइंग अच्छा है, ठीक है, किसी के अंदर कोई स्किल है, अब किसी का ड्राइंग अच्छा है उसमें हम लोग हेल्प कर सकते हैं क्या? सामने वाले का ड्राइंग अच्छा है भाई, मेरा तो अच्छा नहीं हो सकता है ना, तो मैं कैसे हेल्प करूंगी। बट ये चीज भक्तिन को एक्सप्लेन करना टफ होता था, इसीलिए लोग बोलते हैं कि वो लोग माने थोड़ा शॉर्टकट बोल के ही पिन छुड़ा लेती थी, ऐसे भाग जाती थी लड़कियां। बस इसी प्रमाण के आधार पर, माने इसी बेस पर, इसी प्रूफ पर उसकी अब उसकी सब अतिशोक्तियां अमरबेल सी फैलने लगी। अतिशोक्तियां माने बढ़ा चढ़ाकर, जो वो बोलती है ना अमरबेल, जो जड़े होती है पेड़ की, वो चीज बोल रही उसकी तरह फैलने लगी, माने वह बढ़ा चढ़ाकर बहुत चीजें बोलने लग गई। क्या बोलने लगी, उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बताने का हिम्मत नहीं करता। माने कि जब वो बोलते कि आओ मेरी मालकिन का हेल्प करो एंड ऑल, तो लोग तो नहीं बता सकते ना क्यों नहीं हेल्प कर पा रहे, तो अब वो इतनी प्राउड फील करने लग गए कि वो बोलती है बाप रे देखो मेरी मालकिन जैसा काम कोई कर ही नहीं सकता, देखो इसीलिए तो कोई आने का हिम्मत भी नहीं करता है। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती। अब देखो भक्तिन खुद भी तो हेल्प नहीं कर पा रही है, पर इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना कि भक्तिन हेल्प नहीं कर पा रही है, इसका मतलब भक्तिन अपना वीकनेस एक्सेप्ट कर रही है, जो वो कभी भी नहीं करी। इसीलिए वो द्वार माने गेट पर बैठकर रिक्वेस्ट करती थी, प्लीज मुझे कुछ काम दो ना। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर, वह सहायता पहुंचाती रहती। माने वो छोटा मोटा हेल्प करेगी, तो कभी क्वेश्चन आंसर्स की बुक को बंद कर दी, कभी कोई इनकम्प्लीट पिक्चर उसको साइड में रख दी, कभी कुछ रख दी, कुछ हटा दी, ये सब काम कर। उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित होता है। यही एक चीजें है जिससे प्रूव करती है कि भक्तिन बाकी लोगों से कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग ना सिर्फ देखते हैं कि मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, कैसे हेल्प कर सकता हूँ, पर भक्तिन जो है ना वो सिर्फ वेट नहीं कर रही है गाइस, वो क्या कर रही है, छोटा मोटा वे में भी हेल्प कर दे रही है। बोलते हैं ना अपने, जिनको हेल्प करना होता है वो ऐसे ही हेल्प कर देते हैं, वेट नहीं करते हैं। लाइक भक्तिन की छोटा मोटा भी मिला जिसमें जो भी वो कर सकती है वो कर रही। एक सेकेंड हाँ, फिर उसके बाद है देखो, वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। सहायता की इच्छा माने जो उसका इच्छा है कि मैं हेल्प करूं अपनी मालकिन को, उसको क्रियात्मक रूप माने करने का, एक्शन का रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसी उद्भासित होती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब किसी में छिपा आलो। माने जैसे अपना जो बल्ब है, ठीक है, उसमें जो अपना रोशनी है वो तो ऐसे बिना जलाए जलेगा नहीं, ऐसे लगता है हिडन है, तो जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब ग्लो कर जाता है। तो यहाँ पे यही चीज बोल रहे क्या कि जब भी वो मेरा कोई पुस्तक देखती थी जो प्रकाशित हो गया, पब्लिश हो गया, तो वो बहुत खुश हो जाती थी और उसका मुंह चमक जाता था। उसका मुंह कैसे चमकता था, जैसे कोई स्विच में से बल्ब में से रोशनी निकल रही है स्विच दबाने से। नेक्स्ट, वह सुने में उसे, सुने माने अलग में, अकेलेपन में उसे, उसे किसे, उसको प्रकाशित हुए बुक को बार बार छूकर, आंखों के निकट माने पास लाके, आंखों के पास लाकर और सब और घुमाकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। सहायता का माने वो सोचते कि मैंने भी तो हेल्प किया था, देखो ये मेरा भी एक अवार्ड है। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता।
और वही दृष्टि में उसका आत्मा जो है वो एक्चुअली दिखाता है कि देखो मैंने हेल्प किया, मैंने सारी चीज की, तो मुझे निराश होना नहीं पड़ रहा है। माने होता है ना कि उसकी मालकिन को ऑब्वियसली इतना प्रकाशित हो रहा है उसका बुक्स एंड ऑल, तो सर्वेंट भी बहुत प्रसन्न हो रही है। सर्वेंट बोलना खराब है, जो भी अपना क्या बोल सकते हैं सेवक, तो वो भी बड़ी खुश हो रही है। यह स्वाभाविक भी है, माने इट इज वेरी नेचुरल। जिनको आप सच में चाहते हैं तो वो अगर कुछ गेन करते हैं लाइफ में तो हमें भी खुशी होती है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वही देकर भूख का कष्ट नहीं सहने दी। कभी कभी क्या होता है कि ऑब्वियसली ये कभी कुछ हेल्प नहीं कर पा रही है, या सॉरी ये कुछ नहीं कर पा रही है, बिजी है बुक्स में, समथिंग कुछ कंप्लीट कर रही है अपना, तो भक्तिन बार बार उसको रिक्वेस्ट करके खाना खा लो खाना खा लो, पर वो जब मना कर देती है तो उसका उसको कष्ट नहीं सहना पड़े भूख का, इसलिए कुछ ना कुछ बना के लिक्विड वो ला कर देती है, चाय आंट यहाँ पे दही का शर्त। दिन भर में कार्य भर से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव के छनपन करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है, माने छात्र जो हॉस्टल का रोशनी है लाइट से वो बंद हो जाता है जब वो रात को कुछ ना कुछ काम करती है। मेरी हिरनी सोना तखत के पैताने फर्श में पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है, माने इसके घर में बहुत पेट्स है एनिमल्स है, तो इसकी हिरनी का नाम है सोना, वो भी सो जाती है पास में फ्लोर में जो होता है फर्श पैतानी फर्श उधर बैठकर वो हिलना डुलना बंद कर देती है, कोई एक्शन बंद कर देती है। कुत्ता बसन छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है, माने जो कुत्ता है उसका नाम है बसन, वो भी सो जाता है आंखें मूंद कर नीचे एक छोटा सा मचिया जैसा है। और बिल्ली गोधूली, बिल्ली का नाम है गोधूली, मेरे तकिया पर सिकुड़ कर सो जाती है, तो वो भी सो जाती है। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली ना छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्ति प्रशांत भाव से जागृत करती है। पर सब इसको सो मैंने छोड़ देता है सो जाता है, पर जो भक्ति है इसको अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए वो क्या करती है कि अकेले मैंने साइड में दरी में बैठकर वो देखती रहती है किसको भक्ति, जब वह उगती भी नहीं माने उबासी भी नहीं लेती या आग भी उसका नहीं बंद होता है, क्योंकि मेरे सिर उठाती उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। जैसे वो सिर उठाती है माने लिखते लिखते सिर उठाती है महादेवी, तो भक्तिन समझ जाते वो ढूंढती है कि क्या मांग रही है महादेवी, ऐसे करके ढूंढती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ, माने पास में रखी कोई रैक बुक का रैक है उसकी ओर देखती हूँ, तो वो रंग पूछती है कि कौन सा बुक चाहिए। यदि मैं कलम रख देती हूँ पेन रख देती हूँ, तो वो स्याही उठा लेती है क्योंकि वो समझ जाती है कि इंक खत्म हो गया। और यदि मैं कागज एक और सरका देती हूँ, पेजेस को एक और सरका देती हूँ, तो वह दूसरी फाइल कटोलती है, माने वो समझ जाती है फाइल्स खत्म हो गई तो दूसरा ला। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी उठती हूँ, और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले उठना पड़ता है, माने ये तो सोकर जल्दी उठती है बट भक्तिन इससे भी जल्दी उठती है, क्योंकि सोना उछल कूद करने लगती है। सोना को अनहिरनी जो बसंत है वो नित्य क्रम माने डेली चीजों के लिए टॉयलेट एंड ऑल के लिए वो दरवाजे पर खड़ा हो जाता है, और जो इसकी बिल्ली है वो चिड़ियों की आवाजें सुनकर बाहर जाना चाहती है। मेरे ब्राह्मण की एकांत साथी भी भक्तिन रही, माने इसकी घूमने की साथी भी भक्तिन रही। बद्री केदार जैसे जो रास्ता था ना, तंग रास्ता ऊंचा नीचा रास्ता, उसमें हट कर जिद कर वो महादेवी के आगे चल, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी, अगर कोई गांव में ये लोग ट्रैवल कर रही है और नैरो एकदम पतला सा कोई छोटा रास्ता बसता है धूल भरी, तो उसमें वो रिक्वेस्ट करते कि मैं पीछे रहूंगी। क्यों पीछे रहूंगी? क्योंकि जब धूल भरे रास्ते में जो आगे चलता है तो उसके पैरों से जो धूल उठता है वो पीछे वाले व्यक्ति को लगता है, इसीलिए भक्त वैसे रास्ते में गांव के धूल भरे रास्ते में बोलती थी मैं पीछे रहूंगी। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए वो हमेशा भक्तिन माने भक्तिन जो है छाया की तरह खड़ी हो जाती। युद्ध को देश की सीमा में भरते देख जब लोग आतंकित हो उठे, आतंकित माने डर गए थे, इन दी सेंस यहाँ पे क्या बोला चाह रहे कि जैसे वही था ना गांधी जी लोग का एरेंट ऑल जब युद्ध युद्ध हो रहा था एवरीथिंग, तो यहाँ पे यही बोल रहे कि युद्ध का जब खबर आया तो लोग डर गए थे आतंकित हो गए थे। तब भक्तिन की बेटी दामाद और नाती आए, पहली बेटी जो थी है ना, पहली बेटी नहीं जो कोई और ही बेटी होगी या पहली बेटी, कोई भी बेटी एक्चुअली स्पेसिफाई नहीं किया तो आई कांट जज। तब भक्तिन की बेटी दामाद और उसके नाती को नाती आए बुलाने के लिए कि चलो गाओ चलो युद्ध हो रहा है ये सब, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं गए। क्यों? क्योंकि अगर उनके साथ चली जाती तो माने महादेवी का साथ छोड़ना पड़ता, और महादेवी का साथ छोड़ना उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं था। इस बारे में वही लिखा हुआ है कि वो सबको वहां देख लेती रुपया भेज देती पर उनके साथ वो नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उनके साथ रहने का मतलब है महादेवी का साथ छोड़ना, जो उसको जीवन के अंत तक स्वीकार ना हो।
जब गत वर्ष माने पहले वर्ष युद्ध में भूत ने वीरता माने पहले जो एक डर दिखाया था, एक होता है ना कि लोग डर गए थे, वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी, ऐसे थे लोगों को वीर बनना चाहिए ना, बट लोग भागने लगे, पलायन वृत्ति माने भाग रहे हैं, छुप रहे हैं। तब भक्तिन पहली बार सेवक की विनित मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध कर आए। फर्स्ट टाइम भक्तिन बोली, चलिए महादेवी जी हम लोग गांव चलते हैं। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछा कर, माने लकड़ी जहां होता है वहां पे वो नई धोती बिछाएगी अपना, और मेरे कपड़े रख देगी, माने जब वो उसको लेकर जाएगी तो उसका कपड़ा का अरेंजमेंट कहाँ करेगी वो बता रही है। दीवार में कीले जो किल्ली होती है उसको गाड़ कर वह उसके तकत रखकर मेरी किताबें सजा देगी, बुक्स, धान के पुआल का गोंदरा बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी, माने जो घास वास नहीं होते हैं, जो थोड़ा हे टाइप्स होता है उसको बिछाएगी, उसके ऊपर कंबल बिछा देगी और उसका सोने का प्रबंध करेगी। मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडियों में सजाकर संजोकर माने अच्छे से रखकर देगी, और कागज पत्रों को छीकों में यथाविधि एकत्र कर देगी, माने फोल्ड वोल्ड करके एकत्र माने इकट्ठा कर देगी। तो वो बता भी रही कि अगर वो गांव लेकर जाएगी तो उसको कोई प्रॉब्लम होने नहीं देगी, किसको, महादेवी। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश ना देने के लिए कहा था। माने अब महादेवी कैसे मना करे, तो वो बोलती मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे जाऊं, ऐसे बोलती। पर उसके परिणाम ने तो मुझे विस्मित कर दिया, बट इसके रिटर्न में वो जो बोली तो इसे शॉक्ड हो गई। भक्तिन ने परम रहस्य को उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 BC और 5 रुपया गड़ा है, माने 20 पैसे 5 BC, ठीक है 500 BC है, और 5 रुपीज है अलग से रखा हुआ है, वो सीक्रेट रिवील करेगी मेरे पास इतने पैसे रखे हुए हैं, उसी से वह प्रबंध कर लेगी, माने ठीक है आपके पास पैसे नहीं है ना, मैं ये सब पैसे से अरेंजमेंट कर लू। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खा के नहीं आई है, माने अमृत पीकर नहीं आई है, जब सब ठीक हो जाएगा तब यहाँ लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वतकार बन चुके थे, माने भक्तिन इतनी कंजूस थी कि उसका कंजूसी पूरा पर्वत का रूप ले लिया था, सबको पता था कि वो कितनी स्टिंजी कितनी कंजूस है, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया, बट उसका जो कंजूसी था वो सारा चीज उड़ा दिया, कैसे, जैसे वो ये ऑफर रखी कि मैं अपने पैसे लगाऊ, इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं है, छोटा सा रुपए अमाउंट का कोई महत्व नहीं है, बट उसका फीलिंग जो वो महादेवी के लिए रखती है, क्योंकि सबको पता था कि पैसा भक्तिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी वो उसको भी हटा के महादेवी को ऊपर रखी। परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग माने पैसा त्यागना मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है, कि कितनी इंपॉर्टेंट है महादेवी को बता देता है। एक बार इतना देखो बाबू, फिर आगे कराते हैं, कोई दिक्कत है तो पूछो, रीड करो फटाफट।
ठीक है, आगे करते हैं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। हाँ, भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है कहना कठिन है। माने लोग सिर्फ नौकर मालकिन का रिश्ता निभाते हैं, ये बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। माने ऐसा कोई नौकर या स्वामी हो सकता है क्या जो एक दूसरे को हटा ना पाए? कभी भी नौकर चाहे तो जा सकते हैं नौकरी छोड़कर, या स्वामी चाहे तो छुड़वा सकते हैं कि आपको काम नहीं करना है, व्हाटएवर। बट इन लोगों के बीच ये रिश्ता ही नहीं था। जब ये सब बातें होती थी तो दोनों जन हंस के उड़ा देते थे बातों को। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेर उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम के को सेवक मानना। मतलब भक्तिन को नौकर मानना उतना ही गलत है जितना हमारे घर में अंधेरा और प्रकाश आता है ना, या फिर हमारे घर में गुलाब के फूल या कोई फल खिल रहे हैं, उतना ही इम्पोर्टेंस होता है एक माने भक्तिन का स्पेशली अपने माँ देवी के जीवन में। माने ये सब वाइटल पार्ट हो गया ना, गुलाब के फूल खिल रहे, इसको थोड़ी ना बोलेंगे कि इसको इसको इजाजत चाहिए, कोई परमिशन चाहिए, वो तो अपने आप होगा। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, माने वो अपना एक प्रेजेंस रखते हैं, वो अपना एक क्या बोलते हैं अस्तित्व रखते हैं, हमें खुशी देते हैं, दुख देते हैं, व्हाटएवर भी, वैसे ही अपना भक्ति का भी एक अस्तित्व है। उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व, माने वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो स्वतंत्र है, वो अपने विकास के परिचय के लिए मेरे जीवन को घेरे हुए, माने उसका परिचय मेरे जीवन पे घेरे हुए है कि मेरा लाइफ जो है वो भक्तिन के डिस्क्रिप्शन के बिना इनकम्प्लीट है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हुई है, माने ऑब्वियसली फैमिली में कितनी चीज हुई, सिचुएशंस कितनी अलग अलग हुई है इनके, अब उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटते, तो अंदर से कोई एक कुछ प्रकाश फूटता है। लाइफ में प्रॉब्लम है, सब कुछ है, बट लोग करप्टेड तो नहीं हो जाते ना, अंदर से कुछ तो होता है जो निकल के आता है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता हो पाते हैं। जैसे कोई भक्तन के लाइफ से जुड़ जाता है, भक्तन के पास आता है, तो उसको वही इमोशंस, वही इमोशनल सपोर्ट मिलता है। किससे? भक्तन से। ये जो लिखा है ना अपना, ये जो लाइन है, सहानुभूति की आभा फूटती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज माने सिंपल मार्मिकता माने ममता प्यार पाते। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपना चाय बनवाने के लिए दहली पर बैठा रहता है, माने जो हॉस्टल की कोई लड़की है वो ऐसे ही बैठी रहती है भक्तिन से चाय बनवाने के लिए। कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चक्कर उसके स्वाद की विवेचना करती है, माने महादेवी जो भक्तिन के लिए भक्तिन जो महादेवी के लिए नाश्ता बनाती है, तो भक्तिन की का बनाया हुआ नाश्ता चख के बताती है लड़कियां कि कैसा लग रहा है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती है और भीतर आती यथास्थान विराजमान हो जाती है, माने जैसे महादेवी आती है तो सब भाग जाती है और जैसे महादेवी चली जाती है तो वापस लड़कियां बैठ जाती है, माने उन्हें भक्तिन का प्रेजेंस अच्छा लगता है। इन्हें आने में रुकावट ना हो संभवत इसी से भक्तिन अपना दोनों जून माने दोनों वक्त का खाना जो है वो सवेरे ही बनाकर ऊपर कहीं पे किचन में रख देती है, और समय और खाते समय चौकी का कोई कोना धोकर वहीं पे पाक छात के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। माने ऐसे लिखा गया कि वहां नहीं खाना चाहिए डॉल, बट वो यहाँ पे क्यों खाती है? ताकि महादेवी को प्रॉब्लम नहीं हो, लड़कियां आ रही है जा रही है व्हाटएवर, तो उनको प्रॉब्लम नहीं देने के लिए वो अपना जो नियम है उससे भी थोड़ा समझौता कर लेती। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं माने लिटरेचर, परिचितों माने नोन वंस और साहित्यिक बंधुओं माने जो इसके लिटरेचर फ्रेंड्स है, पोएट्स एंड जो लेखक है वो लोग से भी भक्तिन विशेष परिचित है, माने भक्तिन सबको जानती है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। उनके प्रति किसके प्रति? उसके लिटरेचर फ्रेंड्स एंड ऑल के प्रति वो कितना रिस्पेक्ट दिखाएगी, जितना अपनी महादेवी उनको रिस्पेक्ट दिखाती है उतना ही वो दिखाएगी। और सद्भाव उनके प्रति मेरी सद्भाव से निश्चित है, माने कितना अच्छा भाव दिखाएगी उतना ही जितना महादेवी दिखाएगी। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली, मैंने सिंपल बुद्धि रखती है, मालकिन जिसको मानेगी हम मानेंगे, नहीं मानेगी तो नहीं मानेंगे। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपहरण द्वारा, माने किसी को ऐसे करती है छोटा बाल बड़ा बाल, किसी को उसके वेशभूषा पहनावा कपड़ा ये सबसे संबोधित करती है। अपभ्रंश माने किसी का निकनेम या दूसरा नाम से बोलती है। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है पर आदर भाव नहीं, माने उसको ज्ञान पता है कि कवि कौन है क्या है, बट उसका सम्मान इतना कविता कवि लोग के लिए नहीं है।
किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, का वो कवित लिखित जाने है, माने किसी का वेशभूषा अच्छा नहीं है, इधर माने अच्छे से ड्रेस्ड अप नहीं है या बाल लंबे है, समथिंग है। तो वो कॉमेंट करती है कि इसको आता भी है कविता लिखना। तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है और तुरंत ही वही जवाब देती है, तब वो कुछो करिए धरिए ना, बस गली गली गाओ बजाते हैं, मैंने उसको कुछ नहीं आता है, वो गली गली में सिर्फ गाना बजाना पड़ता है। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर देता है, सबका जो दुख है बेचारी भक्तिन के दिल को छू जाता है। विद्यार्थी वर्ग माने स्टूडेंट लोग में से जब कोई कारागर का अतिथि हो जाता है, माने जेल चला जाता है कारागर, माने ठीक है कोई जेल जाता है, तब उस समाचार को व्यतीत तो तब उस समाचार को व्यतीत भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कल्लू कलजुग रहा तौन रहा प्रलय होई जोई उनके क्या उनकर माई का बड़े लाट तक लड़े का चाहिए। जो उसका वर्ड है मैं समझाती हूँ इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, बोलते देखो बीते बीते लड़के माने छोटे छोटे लड़के जेल जा रहे हैं, सब कलयुग का नतीजा है, अब इनकी माई को जो माई वर्ड है, अब इनकी माँ को बड़ा युद्ध लड़ना होगा, बड़ा लाट लाट माने युद्ध युद्ध लड़ना पड़ेगा क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे जेल पे चले गए। ये भक्तन बोलती कहकर दिन भर सबको परेशान करती, सबको ये सब बोलती रहती, बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तन की सहानुभूति एक रस थी, माने चाहे बड़े हो गांधी जी हो या फिर छोटे कोई व्यक्ति, सबका दुख अपनी भक्तन को छू लेता था। भक्तिन के संस्कार ऐसे है कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से, माने वो जेल से बहुत डरती है भक्तिन, जैसे कोई यमलोक से डरे, ठीक है। ऊंची दीवार देखते वह आंखें मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है, बड़ा बड़ा दीवार देख नहीं पाती है, लगता है बेहोश हो जाए। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्ध पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बता कर लोग इसको चिढ़ाते कि तुम्हारी मालकिन जेल जाएगी। वह डरती नहीं है कहना असत्य होगा, पर डर से अधिक महत्व यह है कि वो उसका उसको ऐसा लगता है अगर मालकिन जेल चली जाएगी तो मैं तो अकेले रह जाऊंगी, तो इस महत्व का है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि अपनी कैद होती साबुन से साफ कर ले जिससे मुझे वहां उसके लिए लज्जित ना होना पड़े। उसको लगता है कि महादेवी जेल जाएगी तो ये भी जेल जाएगी, इसलिए वो पूछते कि मैं कितना साड़ी अपना धो लूं जिसके कारण आपको शर्मिंदा नहीं हो, क्योंकि तो गंदा साड़ी पहनती है ना, तो वो ऐसे पूछती है महादेवी से। क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहां किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके, ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं, या आश्वासन भक्तन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। अगर कोई किसी को कोई उसको बोलता कि नहीं कोई नहीं जा सकता है या तुम नहीं जा सकती हो, तो ये सब बात उसको लगता ही नहीं है कि लगता है बकवास कर रहे, चुप रहो ऐसे मानेगी नहीं। वह मेरे ना जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ ना जाने की संभावना से अपमान है, माने महादेवी जेल नहीं जाएगी तो उससे इतनी खुश नहीं होती है, पर इस बात से बहुत इंसल्टिंग फील करती कि अगर महादेवी जेल गई तो मैं नहीं जा पाऊंगी उसके साथ। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहां मालिक वहां नौकर मालिक को ले जाकर बंद कर देना इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेला मुख छोड़ देने में बराबर अन्याय है कि तुम मालिक को लेकर जा रहे हो, भाई अच्छी बात है ले जाओ, पर मेरे को तो साथ लेकर जाओ, बिना मालिक में बाहर क्या करूंगी अकॉर्डिंग टू भक्तन, मैंने एकदम इनोसेंट सेवक है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तन बड़े लाट तक लड़ना होगा, मैंने इसको भी अगर युद्ध लड़ना होगा अगर महादेवी को वो लोग अकेले ले गए। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े कहां भी नहीं चल सकता, माने जो बच्चों की माँ अगर युद्ध नहीं लड़ी अपने बच्चों के लिए तो डजेंट मैटर, बट भक्तिन अगर ऐसा हुआ तो वो तो बहुत युद्ध लड़ेगी। ऐसी विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना से भी दुर्लभ है, माने ऐसी अपोजिट सीन सिनारियो सोचना भी पाप है इनके लिए, माने सोच भी नहीं सकती है। मैं प्राय सोचती हूँ जब ऐसा बुलावा आ पहुंचेगा जिसमें ना धोती साफ करने का अवकाश माने मौका मिलेगा, ना सामान बांधने का, ना भक्तिन को रोकने का अधिकार होगा, ना मुझे रुकने का, तब चीर विदा माने लंबी विदा के अंतिम क्षणों में वह देहातिन वृद्धा और क्या करेगी और मैं क्या करूँ। इन दी सेंस ऐसा बुलावा कब आता है गाइस, जहाँ पे कोई किसी को कुछ बोल नहीं सकता, जब मृत्यु का वक्त आ जाएगा, जब वो ना धोती साफ कर पाएगी ना किसी से परमिशन ले पाएगी, तो वो भक्तिन क्या करेगी जब ऐसा बुलावा आ जाएगा, और महादेवी क्या करेगी। महादेवी बोलती है भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती, ये कहानी का एंडिंग कब होता जब वो ऐसे लिखती ना भक्तिन मर गई या कुछ ऐसा सीन, तो इसीलिए वो बोलती है भक्तिन की कहानी अधूरी है और उसको ये कंप्लीट भी नहीं करना चाहते, क्योंकि कंप्लीट करना माने उसकी मृत्यु के बारे में बोलना, तो उसको वो चीज करना ही नहीं है, उसको खोकर वो पूरा नहीं करना चाहती है अपना स्टोरी। तो एक बार देख लो कंप्लीट, हम लोग का 3 चैप्टर, एक बार फटाफट देख लो ये।